विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया नयनार्स एंड अलवार जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एक नई प्रकार की भक्ति जो कि दक्षिण भारत में उदय हुई नयनार और अलवार्स के रूप में द सेवंथ टू नाइन्थी नाइन्थ सेंचुरी सॉ द इमरजेंस ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स लेड बाय द नयनार्स डि शिवाण्ड अलवार्स डिवोटेड टू विष्णु तो सातवीं से नौवीं शताब्दी के बीच में एक नए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई उनका उदय हुआ जिनको की नये जो कि लॉर्ड शिवा के समर्पित भक्त थे और अलवार्स जो कि भगवान विष्णु को समर्पित साधु संत थे इन सब के द्वारा इन सब के नेतृत्व में ये धार्मिक आंदोलन शुरू हुई दे प्रीज आर्ट एंड लव ऑफ शिवा और विष्णु एस द पाथ टू सेलवेशन उन्होंने भगवान शिव और भगवान विष्णु से सच्चे प्रेम को ही मुक्ति का मार्ग बताया दे ड्रू अपॉन द आइडियल ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर द अर्लिएस्ट एग्जाम्पल ऑफ तमिल लिटरेचर कंपोज ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा तो उन्होंने क्या किया उन्होंने प्रेम और और शूरवीरता के आदर्शों को भक्ति में अपनाकर एक जो है क्या किया संगम लिटरेचर एक संगम साहित्य बनाया लिटरेचर का मतलब संगम साहित्य खासतौर से ये जो संगम साहित्य था वो तमिल साहित्य का एक बहुत पुराना एग्जाम्पल था जिसको कि जब कॉमन इरा स्टार्ट हुआ तब कंपोज किया गया था एंड ब्लैंडेड दैम विद द वैल्यूज ऑफ भक्ति जो कि मैंने आपको अभी बताया कि क्या किया उन्होंने प्यार और शूरवीरता के आइडिया को अपना कर उसको भक्ति के मूल्यों में मिला दिया इस तरीके से उन्होंने अपना एक लिटरेचर तैयार किया द नय नार्ज एंड अलवार्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग एक्जिकट पोएम्स इन प्लेस ऑफ द डेटीज एंड श्राइंड इन दिलेज दे विजिटेड एंड सेट दैम टू म्यूजिक ये जो नए और अलवार्स होते थे ये कैसे थे घुमक्कड़ किस्म के थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और भगवान की प्रशंसा में गाँव गाँव जाकर अपने नित नए गाने पोयम कविता वगैरह वो लिखते थे और फिर वो उन्हें म्यूजिक में कंपोज कर देते थे देयर इज अ फेमस सेइंग अबाउट भक्ति रिलेटेड टू इट्स कमिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देखिए और भक्ति के बारे में एक बहुत ही पुरानी कहावत भी प्रसिद्ध है कि जो भक्ति है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आई भक्ति वास्तव इन द सदर्न इंडिया एंड इट वॉज प्रॉड टू नॉर्थ बाय रामानंद भक्ति का जन्म तो दक्षिण भारत में हुआ लेकिन इसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है रामानंद चलिए अब हम नयनार्स और अलवार्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ और जानने की कोशिश करते हैं नयनार्स एंड अलवार्स फर्स्ट विल टेक नयनार्स देयर वर सिक्सटी थ्री नयनार जो थे वो दे वर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड हिज इनकार वो भगवान शिव और उनके अवतारों के भक्त थे उनकी भक्ति करते थे दे बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड सच एज पॉटर्स अनटचेबल वर्कर्स पैजेंट्स हंटर्स सोल्जर्स ब्राह्मण्स एंड चीफ्स देखिए वो अनेक जातियों से संबंधित थे यानी अनेक जातियों से संबंध रखते थे जैसे कि कुम्हार पॉटर्स होते हैं ना अनटचेबल यानी अस्पृश्य वर्कर्स जो कि जिनको छुआ छुअ भी नहीं जाता था किसान शिकारी और सोल्जर्स ब्राह्मण शेफ चीफ सरदार जो लोग थे है ना वो सब इन जातियों से ये संबंध रखते थे कौन नयनार द बेस्ट नोन अमंग देम वर अपार संबंदर सुंदरार एंड मनिक मनिक वसागर तो इनमें जो सबसे फेमस थे वो थे अपार संबंदर सुंदरार और मनिकवासागर देर आर टू सेट्स ऑफ कंपाइलेशन ऑफ देयर सॉन्ग्स तेवराम एंड तिरुवाक्कम ठीक है तो उनके ये जो गीत थे ना ये दो संग्रहों में बटे हुए हैं जिनका नाम है तेवराम और तिरुवक्काम अब अलवार्स के बारे में बात करते हैं अलवार्स देर वर ट्वेल्व अलवार्स बारह अलवार्स थे ये अल्वार्स कौन थे? यानी ये सब भगवान विष्णु और उनके अवतारों के भक्त थे दे केम फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड और वो भी जो है अनेक जातियों से संबंधित थे अनेक पृष्ठभूमियों के वो थे द बेस्ट नोन बींग अलवार हिज डॉटर अंदाल टोंडारा डिपोडी अलवार थोड़े से मुश्किल नाम है एंड नमलवार तो ये सारे नाम जो हैं वो साउथ इंडिया से संबंधित हैं देयर सॉन्ग्स वर कंपाइल्ड इन दिव्य प्रबंधम और उनके जो सॉन्ग्स हैं वो सारे दिव्य प्रबंधम नाम की जो बुक है उसके अंदर कंपाइल्ड देन द टॉपिक इज ए जियोग्राफी राइटिंग ऑफ सेंट्स लाइफ यानी संतों के जीवन के बारे में लिखना बिटवीन द टेंथ एंड ट्वेल्थ सेंचुरी द चोलास एंड पांड्यास किंग्स बिल्ट एबरेट टेम्पल्ड मैनी द लिंक बिटवीन भक्ति ट्रेडिशन एंड टेम्पल वर्शिप दसवीं और बारहवीं शताब्दी के बीच चोल और पांड्या राजा जो थे उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया वहां वहां पर मंदिरों का निर्माण करवाया जहां जहां पर ये जो सेंट पॉइंट थे यानी संत कवि थे ये जहां जहां इन्होंने विजिट किया था वहां इन्होंने बहुत आलिशान बहुत भव्य मंदिर बनवाए क्यों ताकि भक्ति और जो पूजा है मंदिर पूजा है उनमें एक संबंध स्थापित हो पाए और इससे हुआ भी दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन देअर पोएम्स वर कम्पाइल्ड और ये वो समय था जब वो अपनी पोएम्स को कम्पाइल भी कर रहे थे बिसाइड्स जियोग्राफीज और रिलीजियस बायोग्राफीज ऑफ़ अलवार्ज एंड नया नार्ज वर ऑल्सो कम्पोज इसके साथ साथ जो है अलवारज और नया नार्ज की धार्मिक जीवनियाँ भी तैयार हो रही थी टुडे वी यूज दीज टेक्स एज सोर्स ऑफ फॉर राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ भक्ति ट्रेडिशन यानी भक्ति ट्रेडिशन के इतिहास को लिखते समय हम इसको एक सोर्स के रूप में आज यूज करते हैं सो नाउ मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन, बट बिफोर दैट विल डू एन एक्टिविटी एक्टिविटी नंबर वन स्टडी द कंपोजिशन ऑफ मनिक व सागर गिवन इन द टेक्स्ट बॉक टेक्स्ट बुक आर पास टू आपकी जो टेक्स्ट बुक है आर पास्ट पार्ट टू उसमें मनिक व सागर की कंपोजिशन है उसको ध्यान से पढ़िए एंड स्टेट हाउ हैज द पॉइंट डिस्क्राइब इस रिलेशनशिप विद द डेटी और उसमें आपको फिर पढ़ के ये बताना है कि कवि ने अपनी और अपने प्रभु यानी जो उनके भगवान जिनको मानते हैं उनके बीच में अपनी रिलेशनशिप को कैसे बताया है कैसे उन्होंने अपनी रिलेशनशिप बताई है कि कैसी थी वो सो लेट्स सी इन दिस पोएम द पोइट हैज डिस्क्राइब हिस्स रिलेशनशिप विथ गॉड वेरी ब्यूटिफुली यानी इस कविता में कवि ने भगवान के साथ अपने संबंधों को बहुत ही सुंदर तरीके से उसको बताया है वर्णन किया है दे हैव सैट दैट यू आर माई सेवियर देखिए यहाँ पर आना चाहिए ही है सैड तो उन्होंने इसमें क्या कहा है उन्होंने भगवान को क्या कहा है कि यू आर माई सेवियर आप मेरे तारनहार हो, मेरे उद्धार करता हो आई हैव टेकन रिफ्यूज इन यू मैंने आपके अंदर शरण ली है आई कैन नेवर बी अवे फ्रॉम यू एंड इन टू मतलब मैं आपसे कभी दूर नहीं जा सकता इन टू माई विले बॉडी ऑफ फ्लैश और मेरे इस हार्ड मास के पुतले में यू आर लाइक अ टेम्पल ऑफ गॉड आप सोने के मंदिर के जैसे हो यू हैव टेकन अवे ऑल माई सोर ऑल माई बर्थ एंड डेथ एंड एल्यूजन और आपने मेरे सारे दुख मेरे सारे जन्म मृत्यु मोह माया सब को हर लिया हैज़ फ्रीड मी फ्रॉम ऑल दिस और इन सब से मुझे मुक्त कर दिया है तो ये उन्होंने इस तरीके के अपने संबंध भगवान के साथ बताए हैं नाउ क्वेश्चन नंबर टू स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स अब आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं लेट्स सी फर्स्ट इज भक्ति वॉज स्टार्टेड इन सदर्न इंडिया भक्ति जो है दक्षिण भारत में स्टार्ट हुई यस इट इज ट्रू देयर वर ट्वेल्व नया क्या बारह नया थे नो इट इज फॉल्स क्योंकि वो सिक्सटी थ्री थे अलवार्स वर डिवोटेड ऑफ विष्णु डिवोटेड नहीं होना चाहिए डिवोटीज होना चाहिए तो यस yes, अलवार्स जो है विष्णु के डिवोटीज थे दैट इज ट्रू इस तरह से आपको इसको करना है तो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास उसको ज्वाइन करना ना भूलें जिसको ज्वाइन करने का कर लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बट रिमेंबर वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच